हेलो स्टूडेंट्स, अब हम रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस को आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी तक हमने देखा कि जो डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं उनकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट कितनी है, उनकी फैट की रिक्वायरमेंट कितनी है, उनकी कैलोरीज एनर्जी कितनी चाहिए उनको पर डे, उसके अलावा उनको कितना कैल्शियम चाहिए, कितना आयरन चाहिए, ये हमने अभी देखा। अब हम देखेंगे जो विटामिन्स होते हैं। विटामिन्स क्या होते हैं, हमने पहले भी डिस्कस किया है, हमको रोगों से प्रोटेक्ट करते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता देते हैं। तो ये कई विटामिन्स ऐसे होते हैं जो हमें बहुत कम मात्रा में चाहिए, जो कि हमें भोजन से ही मिल जाते हैं, और कई ऐसे होते हैं कि हमें थोड़ा उनको एक्स्ट्रा लेना पड़ता है यदि हम किसी रोग से पीड़ित हैं। तो सबसे पहले हम अलग अलग समूहों की बात करें तो सबसे पहले मैन में जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया है, तीन ग्रुप्स हैं। अब जो है सेडेंट्री, मॉडरेट एंड हैवी, यानी कि जो थोड़ा कम क्रियाशील है, मध्यम क्रियाशील है और हैवी वर्कर। इनमें विटामिन ए की हम बात करते हैं। विटामिन ए में दो प्रकार का होता है, हमने पहले भी डिस्कस किया था, रेटिनॉल एंड कैरोटीन। ठीक है, रेटिनॉल उनको चाहिए 600 और कैरोटीन उनको चाहिए, बीटा कैरोटीन उनको चाहिए 4800, ये पर मिलीग्राम पर डे है। ठीक है, ये रिक्वायरमेंट जो है इनकी मिलीग्राम पर डे के हिसाब से है। अब थायमिन भी मिलीग्राम पर डे के हिसाब से चाहिए तीनों ग्रुप में। सेडेंट्री वालों को तो 1.2, जो मॉडरेट है 1.4 और हैवी वर्कर्स को चाहिए 1.7 मिलीग्राम पर डे। राइबोफ्लेविन मिलीग्राम पर डे 1.4, 1.6, 2.1। ठीक है, देन कम्स नाइसिन इनको चाहिए 16 मिलीग्राम पर डे, मॉडरेट को 18 मिलीग्राम पर डे और हैवी वर्कर को 21। देन कम्स पायरिडॉक्सिन तीनों प्रकार के जो वर्कर्स हैं, पुरुष हैं उनको 2.0 चाहिए। एस्कॉर्बिक एसिड यानी कि विटामिन सी 40 मिलीग्राम पर डे। ड्राइट्री फॉलेट ये चाहिए इनको 200। विटामिन B12 तीनों को 1 मिलीग्राम पर डे। मैग्नीशियम जो है वो 340 मिलीग्राम पर डे और जिंक जो है 12 मिलीग्राम पर डे। ये तो हो गया पुरुषों का जो तीनों प्रकार के वर्कर्स हैं। अब हम स्त्रियों में आते हैं तो उसी तरह से इनके 6 ग्रुप्स हैं, सेडेंट्री, मॉडरेट एंड हैवी, एंड देन इसके अलावा प्रेग्नेंट वुमेन, लैक्टेटिंग वुमेन, धात्री माता है जो जिनका शिशु 0 से 6 मंथ्स है और उसके बाद 6 से 12। अब अगर हम देखें तो पहले हम तीनों प्रकार के जो लेडी वर्कर्स हैं, फीमेल्स हैं, उनका डिस्कस करें तो विटामिन ए तीनों प्रकार की जो वर्कर्स हैं सेम है, दैट इज 600 रेटिनॉल और 4800 उनको कैरोटीन चाहिए। थायमिन रिक्वायरमेंट है सेडेंट्री फीमेल का 1 और मॉडरेट जो वर्क करती है 1.1 और हैवी वाले का 1.4। उसी तरह से राइबोफ्लेविन 1.1, 1.3, 1.7 मिलीग्राम पर डे। नाइसिन 12, 14 एंड 16 मिलीग्राम पर डे। पायरिडॉक्सिन जो है वो तीनों प्रकार के कार्य करने वाली महिलाओं को 2 चाहिए मिलीग्राम पर डे। एस्कॉर्बिक एसिड 40 चाहिए और डाइट्री फॉलेट जो है 200 चाहिए। विटामिन B12 1 मिलीग्राम पर डे चाहिए और मैग्नीशियम जो है 310 एंड जिंक जो है 10 मिलीग्राम पर डे रिक्वायर्ड है। देन कम्स सम स्पेशल जो होती हैं लेडीज, जैसे कि प्रेग्नेंट लेडीज एंड लैक्टेटिंग मदर्स। प्रेग्नेंट लेडीज में रेटिनॉल 800 एंड बीटा कैरोटीन 6400। लैक्टेशन पीरियड में दोनों ग्रुप्स में रेटिनॉल 950 एंड बीटा कैरोटीन 7600। थायमिन जो है प्रेग्नेंट लेडीज में 0.2 हमें प्लस करना है, इसमें आप ध्यान रखिए प्लस का साइन है, यानी कि अगर वो मॉडरेट वर्कर है 1.1 तो उसमें 0.2 हम प्लस कर देंगे। उसी तरह से लैक्टेटिंग के फर्स्ट पीरियड में प्लस 0.3 और 6 to 12 में प्लस 0.2। प्लस निशान को हमें ध्यान रखना है, दैट मीन्स यू हैव टू एड, जो वो ले रही है उस टाइप की जो वर्कर है उसमें और इतना ऐड कर दें। देन कम्स राइबोफ्लेविन प्रेग्नेंट वुमेन्स में 0.3 प्लस एंड लैक्टेशन फर्स्ट फेज में 0.4 प्लस एंड लैक्टेशन सेवन फेज में 0.3 प्लस। नाइसिन प्लस 2 करेंगे प्रेग्नेंट लेडीज में और लैक्टेशन फर्स्ट फेज में प्लस 4 और सेकेंड फेज में प्लस 3। उसी तरह से पायरिडॉक्सिन जो है वो उनको अब 2 की जगह 2.5 लेना है तीनों में, मतलब 0.5 ज़्यादा लेना है। एस्कॉर्बिक एसिड जो है वो प्रेगनेंसी में 60 लेना है, यानी कि 40 की जगह अब 60 और लैक्टेशन पीरियड में 80 लेना है दोनों फेज में। डाइट्री फॉलेट जो है उनको लेना है 500 प्रेगनेंसी में और लैक्टेशन में 300। विटामिन B12 1.2 प्रेगनेंसी में और लैक्टेशन में 1.5। मैग्नीशियम रिक्वायरमेंट सेम है 310
मिलीग्राम पर डे, और जिंक रिक्वायरमेंट जो है वो उनकी बढ़ जाएगी, वो हो जाएगी 12 रिक्वायरमेंट। ठीक है, ये हो गया मैन एंड वुमेन का। नाउ वी विल डिस्कस रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस फॉर इंडियंस विटामिन्स बच्चों के लिए। बच्चों में हम आते हैं सबसे पहले इन्फेंट्स। इन्फेंट्स में दो ग्रुप, 0 to 6 मंथ्स एंड 6 to 12 मंथ्स। जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि जो 0 to 6 मंथ्स होते हैं वो मदर्स मिल्क पे डिपेंडेंट होते हैं, तो उनको सारी जो रिक्वायरमेंट होती है वो मदर्स मिल्क में पूरी हो जाती है। इसमें हमने जो विटामिन ए की रिक्वायरमेंट उनको नहीं होती, 0 to 6 मंथ्स में कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ना तो रेटिनॉल की ना कैरोटीन की, लेकिन 6 से 12 महीने में उनकी रिक्वायरमेंट रेटिनॉल की 350 हो जाती है मिलीग्राम पर डे, और कैरोटीन की हो जाती है 2800। थायमिन की रिक्वायरमेंट 0 to 6 मंथ्स के शिशु में 0.2 और 6 से 12 में 0.3, राइबोफ्लेविन 0.3 0.4, नाइसिन 710 मिलीग्राम पर डे 6 महीने तक और 6 से 12 महीने में 650 मिलीग्राम पर डे, पायरिडॉक्सिन जो है 0.1 6 महीने तक और उसके बाद 0.4, एस्कॉर्बिक एसिड दोनों में 25 मिलीग्राम पर डे, डायट्री फॉलिक 25 मिलीग्राम पर डे, विटामिन बी12 जो है दैट इज 0.2 मिलीग्राम पर डे, मैग्नीशियम जो है 30 तो 6 महीने तक और 6 महीने से ज़्यादा होने पर 45, और जिंक की रिक्वायरमेंट नहीं होती। अब हम आते हैं बच्चों में। बच्चों का जो हमने ग्रुप देखा था बोथ बॉयज एंड गर्ल्स का सेम होता है, 1 to 3 ईयर, 4 to 6 एंड 7 to 9। 1 to 3 ईयर एंड 4 to 6 में जो हम ये देखें विटामिन ए की रिक्वायरमेंट 400 होती है, ठीक है, और कैरोटीन की 3 to 0, लेकिन 7 to 9 ईयर्स में रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, विटामिन ए की हो जाती है 600 रेटिनॉल की और कैरोटीन बीटा कैरोटीन की हो जाती है 4800 मिलीग्राम पर डे। थायमिन के रिक्वायरमेंट तीनों में डिफरेंट है, 1 to 3 ईयर्स में 0.5, 4 to 6 में 0.7 और 7 to 9 में 0.8। उसी तरह से राइबोफ्लेविन की 0.6, 0.8, 1.0, नाइसिन की 8, 11 एंड 13 तीनों ग्रुप्स में, पायरिडॉक्सिन की 0.9, 0.9 एंड 1.6। एस्कॉर्बिक एसिड की तीनों ग्रुप्स में रिक्वायरमेंट सेम है, दैट इज 40 मिलीग्राम पर डे, लेकिन फिर डाइट्री फॉलिक अलग अलग है, 80, 100 एंड 120। विटामिन बी12 की रिक्वायरमेंट है 0.2, ठीक है, से लेके 1 मिलीग्राम पर डे। देन कम्स योर मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की रिक्वायरमेंट अलग अलग है, 50, 70 एंड 100, एंड जिंक की रिक्वायरमेंट अब हो जाती है, दैट इज 5, 7 एंड 8 मिलीग्राम पर डे। दिस वॉज सेम फॉर बोथ बॉयज एंड गर्ल्स इन द एज ग्रुप। नाउ कम्स डिफरेंट। अब बॉयज एंड गर्ल्स का हम डिफरेंट आ रहा है, जैसे कि 10 से 12 साल के बॉयज हैं और 10 से 12 साल के गर्ल्स हैं, उसी तरह से हम इसमें 3-6 ग्रुप बना रहे हैं, हम इनको एक साथ डिस्कस करेंगे, बॉयज गर्ल्स, बॉयज गर्ल्स, बॉयज गर्ल्स। तो 3 ग्रुप आप बना लीजिए, 10 से 12, 13 से 15 और 16 से 17। तो 10 से 12 पहले बॉयज, फिर 10 से 12 गर्ल्स, 13 से 15 बॉयज, 13 से 15 गर्ल्स, और उसके बाद 16 से 17 बॉयज और 16 से 17 गर्ल्स। तो 6 ग्रुप्स हो गए, इनका एक साथ अपन समझ लेते हैं। इन सब की रिक्वायरमेंट रेटिनॉल की कितनी है, 600। सब 6 ग्रुप में आपको देखना है रिक्वायरमेंट है, रेटिनॉल इज रिक्वायर्ड 600 मिलीग्राम पर डे। विटामिन बी कैरोटीन की रिक्वायरमेंट है, सब में सेम है, 4800। नाउ वी डिस्कस थायमिन। थायमिन की जो रिक्वायरमेंट है आप 6 ग्रुप्स में नोट कर लीजिए, 1.1, 1.0, 1.4, 1.2, 1.5 एंड 1.0। अब आप कंपेयर करें बॉयज एंड गर्ल्स में, तो आप देखिए गर्ल्स की रिक्वायरमेंट कम है, दैट इज 10 से 12 में 1.0, फिर 13 से 15 में 1.2 और 1.0। बॉयज एंड गर्ल्स के कंपैरिजन में बॉयज की रिक्वायरमेंट ज्यादा है और गर्ल्स की कम है। नाउ वी कम टू राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन मिलीग्राम पर डे 1.3, 1.2, ठीक है, देखिए बॉयज की ज्यादा, गर्ल्स की कम। फिर 13 से 15 में 1.6, 1.4 और 16 से 17 में 1.8 एंड 1.2। इसमें हम देखेंगे कि देखिए काफी डिफरेंस है गर्ल्स का और बॉयज का। देन नाइसिन। नाइसिन 6 ग्रुप का नोट कर लीजिए, 15, 13, 16, 14, 17, 14, यानी कि इसमें भी क्लियर कट है कि बॉयज की रिक्वायरमेंट ज्यादा है और गर्ल्स की कम। देन वी कम टू पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन जो है 1.6, 1.6 दोनों बॉयज गर्ल्स में सेम रिक्वायरमेंट, एंड देन जो 13 से 15 में दोनों को 2.0, 2.0
और 16 से 17 में भी 2.0 2.0, यानी कि दिस रिक्वायरमेंट इज सेम इन बोथ बॉयज एंड गर्ल्स. एस्कॉर्बिक एसिड तीनों ग्रुप्स में बॉयज एंड गर्ल्स में सेम है, दैट इज 40. डाइट्री फॉलेट जो है 10 से 12 में दोनों बॉयज एंड गर्ल्स में 140 और 13 से 15 बोथ बॉयज एंड गर्ल्स में 150 एंड 16 से 17 में दोनों बॉयज एंड गर्ल्स में 200. विटामिन B12 के रिक्वायरमेंट सेम 0.2 1.0 ऑल द एज ग्रुप्स. देन कम्स मैग्नीशियम. मैग्नीशियम की अलग अलग रिक्वायरमेंट है 120 160, देन 165 210 एंड 195 235. इसमें आप देखेंगे मैग्नीशियम जो है वो गर्ल्स की रिक्वायरमेंट ज्यादा है इन कंपैरिजन टू बॉयज. एंड द लास्ट इज जिंक. जिंक दोनों जो सेम रिक्वायरमेंट है दोनों टाइप के एज ग्रुप्स में. एज ग्रुप्स में अलग अलग है लेकिन बॉयज एंड गर्ल्स की रिक्वायरमेंट सेम है, यानी कि 10 से 12 में दोनों बॉयज एंड गर्ल्स को 9 मिलीग्राम पर डे चाहिए, 13 से 15 में दोनों बॉयज एंड गर्ल्स को 11 मिलीग्राम पर डे चाहिए और 16 से 17 में दोनों बॉयज एंड गर्ल्स को 12 मिलीग्राम पर डे चाहिए. ये आपने देखा कि जो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस. अब हमें इन सबको ध्यान में रखते हुए अपनी आहार योजना बनानी है और कोशिश करनी है कि हमारा आहार जो है वो संतुलित हो. अब कौन से फूड में कितना क्या मिलता है ये हम आगे जब आहार योजना बनाएंगे तो हम उसमें डिस्कस करेंगे कि किस फूड में किस प्रोडक्ट में हमें क्या क्या जो न्यूट्रिएंट्स हैं पोषक तत्व हैं वो प्राप्त होते हैं. थैंक यू.